वेलकम टू विस्टेक फॉर लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में भी हम थोड़ा सा काम पास सेटिंग से रिलेटेड ही करेंगे, लेकिन जो काम हम इसमें करने जा रहे हैं उसको समझाने के लिए मैं आपको विकिपीडिया पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपके सामने देखें, मैंने वेब डेवलपमेंट को विकिपीडिया के ऊपर ओपन किया। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की किताबें के लिए हर तरह की इनिशियल इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप आएँ तो आपके पास यहाँ पे एक कंटेंट्स दिए गए हैं। कंटेंट्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैंने सारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है इस पेज के अंदर जो कुछ भी है वो एक कंटेंट में आपके पास लिखा हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसके अंदर आप पहले सबसे देखें, सबसे पहला पॉइंट लिखा है वेब डेवलपमेंट एज एन इंडस्ट्री, फिर प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट है और उसके अंदर टू पॉइंट्स मोर हैं, बेसिक एंड टेस्टिंग। इसी तरह फिर सिक्योरिटी और कंसिड्रेशन से ये ऑल्सो चलता जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस पेज के अंदर मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूँ टेस्टिंग के ऊपर, ये जो टेस्टिंग है 2.2 वाला पार्ट, मैं इसके ऊपर जाना चाहता हूँ। तो मैं बजाय इसके कि इसको स्क्रॉल डाउन और सारा कुछ करूँ, तो मैं सिंपली टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे टेस्टिंग के ऊपर ले जाएगा। देखें, मैं अभी ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते साथ ये मुझे टेस्टिंग के ऊपर ले आया। इस तरह मैं सी ऑल्सो के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो ये फौरन मुझे सी ऑल्सो के ऊपर ले आया। ठीक हो गया। तो इस तरह का हम काम आज करने जा रहे हैं। ये काम हम कैसे करेंगे? हमने एक HTML पेज बनाना है जिसका नाम मैंने रख दिया, टाइटल रख दिया टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसमें कुछ पैराग्राफ बनाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, विस्टेक के फोल्डर के अंदर ही इसको रखते हैं अलग से। तो इसका नेम मैं दे देता हूँ, चले चैप्टर्स इसका नेम दे दूँ, .html। ओके, तो मैं इसमें एक पैराग्राफ बनाता हूँ। उस पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दूँगा, ठीक है जी। वो टेक्स्ट मैं कहीं से कॉपी करता हूँ, एक वेबसाइट है हमारे पास लोरियम इप्सम, तो यहाँ से लोरियम इप्सम, यहाँ पे आप डमी कंटेंट ले सकते हैं इस वेबसाइट से। ये लीजिए, आपके पास साइट ओपन होगी। यहाँ से आप कोई भी पैराग्राफ जो है उसको कॉपी कर लें। फॉर एग्जाम्पल चलें जी इसको कॉपी कर लें। इस पैराग्राफ को आपने कॉपी किया, किसी किस्म का भी टेक्स्ट ले सकते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या किया मैंने, इस पैराग्राफ को कोई एक आईडी दे दी। एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हैं, आईडी। तो आपको बता दूं कि आईडी एक पेज में एक तरह की एक ही हो सकती है। जैसे एक घर में अगर 5 से 7 लोग रह रहे हैं तो हर किसी का नेशनल आइडेंटिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। इसी तरह एक पेज के अंदर हम डिफरेंट टैग्स के अंदर आईडीज यूज़ करेंगे और हर एक पेज के अंदर कोई भी आईडी दो दफ़ा यूज़ नहीं हो सकती। तो इस आईडी को कैसे यूज़ करते हैं, ये एक पैराग्राफ है पी, इसको मैं एक आइडेंटिटी देना चाहता हूँ जिसका नाम है आईडी इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे इसको, चलिए चैप, मैं चैप वन कर रहा हूँ, चैप वन स्टैंड फॉर चैप्टर वन, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैंने ये आईडी दे दी। और चले मैं यहाँ पे एक और चीज़ पे लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर वन, ठीक हो गया। अब इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ और 5-7 पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलें जी कंट्रोल पी, इसको मैंने चैप्टर टू कर दिया, इसको भी चैप्टर टू कर दिया। इसी तरह फिर कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
पांच सात हम पैराग्राफ्स बनाएंगे, थ्री थ्री ठीक हो गया। तो हम ऑलमोस्ट 10 तक हम पैराग्राफ इसके इस तरह करके लिखेंगे। चलें जी, आपको समझाने के लिए मैंने 10 पैराग्राफ्स बनाए हैं चैप्टर वन के नेम से। वन इसको चैप्टर वन को, इस पहले पैराग्राफ को चैप वन आईडी दी, दूसरे पैराग्राफ को चैप टू आईडी दी, तीसरे को चैप थ्री, चौथे को चैप फोर, इस तरह चलते चलते मैंने ये आपके लिए 10 पैराग्राफ्स बनाए हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। अब हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है ये वाला, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक चीज़ लिखता हूँ कि जी मैं चैप्टर बजाय इसके, चलें इसकी पहले आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल एस किया और इसकी आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट इसकी क्या आती है ब्राउज़र के अंदर। तो जी हमारे पास कहाँ गया का चैप्टर्स, ये इसकी करंटली आउटपुट है, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री एंड सो ऑन, ठीक हो गया जी। चले अब हम ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं और चैप्टर टेन पे जाएं, फिर स्क्रॉल अप करके ऊपर जाएं चैप्टर वन पे, हम कोई क्लिक सिस्टम लगाते हैं जैसे हमने विकिपीडिया के अंदर देखा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने नोटपैड में आते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखता हूँ, चले टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग में दे लेते हैं कंटेंट, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे अब मैं काम करता हूँ, मैं अभी डिज़ाइनिंग के लिए यूएल बना लेता हूँ एक, ताकि फॉर्मेटिंग हमारी बेहतर नज़र आए। तो यूएल में मैं क्या लिखा, एल आई, चलें यहाँ पे मैं एक लिंक सेट करता हूँ कि मैं लिखता हूँ गो गो टू चैप्टर टेन। अब इसको मैं एक लिंक के अंदर रखूँ कंट्रोल एक्स, एंकर टैग जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ए लिखता हूँ या आर ई एफ देता हूँ। यहाँ पे जिस पैराग्राफ के ऊपर हम क्लिक करने से जाना चाह रहे ना, उसका आईडी लिख देना है। आईडी कैसे लिखना है, आईडी को शो करते हैं नंबर से इस तरह करके। अब चैप्टर टेन पे हम जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चैप टेन लिख दूँगा, ठीक हो गया, ऐसे हम लिखेंगे। अब इसको बंद किया तो इसके अंदर हम ये वाला टेक्स्ट लेते हैं, गो टू चैप्टर टेन, टैग एंकर का जैसे बंद कर देते हैं, कंट्रोल एस करके इसको टेस्ट करते हैं। चलें इसको रीस्टार्ट, रिफ्रेश किया इस पेज को, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास टेबल चैप्टर टेन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करते साथ ये मुझे चैप्टर टेन के ऊपर, यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, और फिर चैप्टर टू लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके पास चैप्टर थ्री लिखा हुआ है, ये आपके पास चैप्टर फोर लिखा हुआ है, ये चैप्टर फाइव, इस तरह एंड पे टेन है। तो ये क्या करेगा, चैप्टर टेन पे डायरेक्ट हमें ले जाएगा। मैंने क्लिक किया तो ये देखें, दोबारा करते हैं आपको जी समझ आ गई, ये देखिए चैप्टर टेन पे भी ले आया। मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, गो टू चैप्टर टेन के ऊपर क्लिक किया, वंस अगेन ये नीचे हमें चैप्टर टेन के ऊपर ही ले आया। इस तरह हम कोई भी लिंक सेट कर सकते हैं, चैप्टर नाइन पे जाना है चैप्टर नाइन का, चैप्टर टेन पे जाना है चैप्टर टेन का, चैप्टर एट के आईडी दे सकते हैं। अब सिर्फ मैं एक काम करता हूँ, ये चैप्टर टेन और चैप्टर वन की आईडी दे देता हूँ एंड पे, इस तरह आपने ना ये सारे सेट कर लेने हैं। चले मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, इसको कॉपी किया, दो तीन में कर देता हूँ, कंट्रोल सी और बी, एक मैंने कर दिया आपके पास चैप्टर नंबर टू, एक में चैप्टर फोर कर देता हूँ, बस इतनी काफ़ी है चलेंगे। और इसी तरह यहाँ पे आईडी भी आपको चेंज करना पड़ेगी, टू फोर, और यहाँ पे एक चीज़ का मैं इजाफा कर देता हूँ, चलें यहाँ पे टॉप पे मैं लिख देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर के
मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो, एक टैग दिया उसके अंदर लिखा HREF, और यहाँ पे मैंने कोई एक आईडी दे दी हैश बॉटम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू बॉटम, और हमारा जो एंकर टैग है उसे क्लोज कर देते हैं, ठीक हो गया। और अब एंड पे एक हम स्पैन लगाएंगे, स्पैन का एक टैग है एंड पे, यहाँ पे हम एक स्पैन का टैग लगा देंगे। इसके अंदर आप चाहे कुछ भी ना लिखें, बस याद रख लेंगे स्पैन का टैग होता है, और ये सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी मैं इसको देता हूँ जी ऊपर, क्योंकि बॉटम है ये, तो बॉटम की आईडी दे। अब इसको मैं सेव किया तो आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। परेशानी की बात नहीं है, सिंपल आपने कॉन्सेप्ट अपना ठीक कर लेना है, पहली जो मैंने चैप्टर 10 से सिखाया आपको। अच्छा ये देखें, चैप्टर 2 के ऊपर जाऊंगा मैं तो ये पहले हाईलाइट कर दो ताकि आपको मूवमेंट नज़र आए। इसको मैंने हाईलाइट किया, चैप्टर 2 के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें चैप्टर 2 पे हमें ले आया। ऊपर गए चैप्टर 4 को मैं ज़रा हाईलाइट करके ताकि आपको मूवमेंट नज़र आए, चैप्टर 4 के ऊपर क्लिक किया तो चैप्टर 4 के लिए। इस तरह मैं नीचे जाके ज़रा इस पैराग्राफ को, ये क्योंकि ये एंड है ना, इस लाइन को हाईलाइट कर देता हूँ, ये बॉटम पे है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर गो टू बॉटम के ऊपर, ये जो गो टू बॉटम लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे गो टू बॉटम पे ले जाएगा, बिल्कुल एंड पे पेज पे। इसी तरह आप नीचे जाके चलेंगे, क्लिक करते हैं, पहले क्लिक किया ये देखें एंड पे हमें ले आया इस जगह। इसी तरह के आप यहाँ पर गो टू टॉप का लगा सकते हैं ताकि वो आपको टॉप पर ले जा सके। Thank you very much for watching. Stay connected for further lectures.